हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ऑल करें, जिससे कि हमारे वीडियो के अपलोड होते ही इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। तो हम लोग आज विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ते हैं। हम लोगों ने इसके पहले जो विद्युत के अन्य जो गुण हैं उन सारे के बारे गुणों के बारे में पढ़ा। हमने स्थिर विद्युत के गुणों के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद धारा विद्युत के बारे में पढ़ा और धारा विद्युत के का जो चुंबकीय गुण है उसके बारे में पूरा का पूरा पढ़ा। हम लोगों ने अब तक ये पढ़ा है कि अगर आवेश गतिमान है, आवेश चलता है, तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, चुंबकीय बल लगने लगता है। तो धारा के कारण या गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। यहाँ पर ठीक उसकी उल्टी प्रक्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब चुंबकीय क्षेत्र हो तो वहां पर विद्युत पैदा हो जाए। क्या ऐसा भी संभव है कि अगर विद्युत के कारण से चुंबक पैदा हो जाता है, धारा बहने के कारण चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, तो फिर चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी यानी आवेश या विद्युत धारा पैदा होना चाहिए। बहुत दिनों तक तो लोगों को इस पर विश्वास नहीं था, लेकिन फैराडे ने ये अपने विचार रखे और उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत पैदा की जा सकती है, जैसे विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन के कारण विद्युतीय बल का यानी विद्युत वाहक बल का पैदा होना। इसी प्रक्रिया का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब इसको हम इससे संबंधित कुछ चीज़ें और हैं, थोड़ा उसके बारे में भी जान लें। हम लोगों ने जब विद्युतीय क्षेत्र पढ़ा था तो वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी एकांक विद्युतीय क्षेत्र अगर हो तो उसके लंबवत जाने वाली जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं, क्षेत्र रेखाएं यानी बल रेखा जिसको कहते हैं, ये विद्युतीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होती है। ये हैं विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, यानी विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या है वो जो विद्युतीय क्षेत्र है यहाँ पर एकांक क्षेत्रफल के लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या है वो उसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होते हैं। यानी जितनी ही ज़्यादा क्षेत्र रेखाओं की संख्या होगी, जितनी उनका घनत्व ज़्यादा होगा, विद्युतीय क्षेत्र उतने ज़्यादा होगा। और विद्युतीय क्षेत्र हम जानते हैं ये एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर क्षेत्र बड़ा हो, मान लिया क्षेत्र है हमारा ds, और चूंकि सुविधा के लिए हमने क्षेत्र को भी जो एरिया है उसको भी वेक्टर मान लिया और इसके लंबवत दिशा में इसका दिशा होती, तो यदि इसके क्षेत्र रेखा के जो वेक्टर की दिशा है उस दिशा में, अर्थात जो पृष्ठ है, जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के लंबवत कुल कितनी क्षेत्र रेखाएं होंगी, वो बराबर होगा ई डी एस। क्षेत्र रेखाओं के लंबवत होगा ई डी एस, और इसे हम कहते हैं डी एस से संबद्ध फ्लक्स। यानी इस पूरे क्षेत्र रेखा जो हमारा डी एस क्षेत्र है, इससे जाने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की ये संख्या को रिप्रेजेंट करता है और इसको हम कहते हैं इससे जुड़ा हुआ फ्लक्स। हमने इसको फ्लक्स कहा डी फाई, लेकिन विद्युतीय क्षेत्र के लिए ये अदिश राशि है। यहाँ पर ये क्षेत्र रेखाओं की संख्या है, ये इसको आप प्रतिनिधित्व करती है, इसका इसकी माप करती है तीव्रता की, क्षेत्र रेखाओं की संख्या, लंबवत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। और अगर पूरा इतना डीएस क्षेत्र हो तो इससे कितनी क्षेत्र रेखाओं की संख्या जाएगी, तो क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या हो गई ई डी एस, क्षेत्र रेखाएँ जो की टोटल संख्या, और वो किसको किसकी माप करेगी, इससे जुड़े हुए फ्लक्स की। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि हमने कहा कि लंबवत होनी चाहिए। अगर मान लीजिए लंबवत नहीं है, ये थीटा कोण पर है,
तो लंबवत दिशा में करने के लिए इसमें हम कास थीटा लगा देंगे। ई और डी एस अगर दोनों की दिशा एक नहीं है और दोनों के बीच में थीटा कोण हो तो फिर ई जो ई है उसका डी एस की दिशा में जो घटक होगा ई कास थीटा होगा, तो डी फाई हो जाएगा ई डी एस कास थीटा, इसको हम लिख सकते हैं ई डी एस। यानी ये क्षेत्रफल जो हमारा क्षेत्र वेक्टर है वो उसके और जो हमारी तीव्रता है या विद्युतीय क्षेत्र है उसके डाट गुणनफल है ये। ये तो हम लोगों ने विद्युतीय क्षेत्र पढ़ा था, ऐसा ही हम चुंबकीय क्षेत्र के लिए भी समझ सकते हैं कि मान लिया हमारे पास कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं। हमने देख पढ़ा है कि चुंबकीय बल का अध्ययन करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए भी हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का अध्ययन करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर कोई भी हमारे पास चुंबक हो तो उस चुंबक में हम लोगों ने पढ़ा है ये नॉर्थ है साउथ है, तो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ से प्रवेश करती हैं, फिर अंदर भी साउथ से नॉर्थ जाती हैं और फिर बाहर निकल करके फिर साउथ, और इस तरह से ये चलती रहती है, इस तरह से चलती है। तो ये जो क्षेत्र रेखाएं हैं यहाँ भी है कि किसी भी पृष्ठ किसी भी समतल के एकांक क्षेत्रफल के लंबवत जो भी क्षेत्र रेखाएं होती हैं, एकांक क्षेत्रफल के लंबवत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होती है। चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र जिसको हम बी कहते हैं, इसके अनुक्रमानुपाती होती हैं। किसके अनुक्रमानुपाती होती हैं ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एकांक क्षेत्रफल के लंबवत एकांक क्षेत्रफल का लंबवत चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या है वो चुंबकीय क्षेत्र को उस स्थान पर उसकी माप करती है या उसके अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब यह हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी ज़्यादा होगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी ज़्यादा होगा, चुंबकीय बल भी ज़्यादा लगेगा। बिल्कुल उसी तरह विद्युतीय क्षेत्र की तरह से यहाँ भी उसी तरह से है कि ये तो हुआ एकांक क्षेत्रफल से, और मान लिया हमारे पास जो क्षेत्रफल है जिससे ये जा रही हैं क्षेत्र रेखाएं, ये क्षेत्र रेखाएं जिससे जा रही हैं ये क्षेत्र है डीएस और उसका ये लंब है यानी डीएस की ये दिशा है और क्षेत्र रेखाएं इधर को जा रही हैं इस दिशा में, तो अगर इसे एकांक क्षेत्र में जाने वाली क्षेत्र रेखाएं इस दिशा में हैं, इसके बीच में कोण थीटा है, तो इनकी लंबवत दिशा में जो क्षेत्र रेखाओं का प्रभाव होगा, प्रभावित क्षेत्र रेखाएं होंगी, उनका जो मान होगा वो बराबर हो जाएगा बी डी एस कास थीटा। इसको हम कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। ये हुआ बी डॉट डी एस, ये डी एस क्षेत्र के लिए हुआ। और मान लिया क्षेत्रफल और बड़ा हो, और मान लीजिए ये जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र या विद्युतीय क्षेत्र है ये सब जगह यूनिफॉर्म नहीं है, समान नहीं है, तो हम मान लिया ये इतना बड़ा क्षेत्रफल है, यहाँ कुछ है यहाँ कुछ है और यहाँ कुछ है, तो फिर जगह जगह का हमने निकाला फ्लक्स और जोड़ करके उसका एवरेज ले लिया। तो उसके लिए हमने दिया कि टोटल जो फ्लक्स होगा चुंबकीय फ्लक्स वो बराबर होगा, समाकलन कर देंगे, ये बराबर हो जाएगा बी डॉट डी एस। तो ये हुआ चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पर ध्यान से देखने की बात है कि हमने यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की चर्चा की। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ हैं तो काल्पनिक, वो काल्पनिक हैं, हम केवल उनके आधार पर ये अध्ययन करते हैं कि क्षेत्र प्रणामी क्षेत्र की दिशा यहाँ क्या है और उसका परिमाण ज़्यादा होगा या कम होगा, एग्जैक्ट उसका मान तो नहीं उससे नाप सकते लेकिन उसका
हम अंदाज लगा लेंगे कि यहाँ अधिक होगा या कम होगा। जहाँ क्षेत्र रेखाएं नजदीक होंगी वहाँ पर बल ज़्यादा लगेगा, क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होंगी तो बल कम लगेगा। लेकिन ये क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होते हुए भी क्षेत्र रेखाओं के आधार पर हमने फ्लक्स निकाला, ये वास्तविक है, ये काल्पनिक नहीं है, ये एक वास्तविक भौतिक राशि है। अब यहाँ पर ये चुंबकीय फ्लक्स है या विद्युतीय फ्लक्स है? विद्युतीय फ्लक्स से संबंधित हम लोगों ने गॉस का प्रमेय पढ़ा है। हम लोगों ने उसमें सामान्य रूप से ये बात बोली थी कि किसी भी पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स यानी उससे आने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या या कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या, एक्चुअली कुल बल रेखाओं और क्षेत्र रेखाओं की संख्या उसके अनुक्रमानुपाती है। इसलिए जब हम कहते हैं क्षेत्र रेखाओं की संख्या या बल रेखाओं की संख्या तो लोग से उससे यही बात समझ में आ जाती है कि क्षेत्र रेखाओं की संख्या अधिक है या कम। यहाँ भी वही बात है कि किसी भी पृष्ठ से या किसी भी परिपथ से जाने वाली कुल टोटल जितनी भी क्षेत्र रेखाएं होंगी, ध्यान रखें उसके पृष्ठ के लंबवत जितनी भी क्षेत्र रेखाएं होंगी वो उसके फ्लक्स को प्रदर्शित करेंगी यानी उसके फ्लक्स को वो नापेंगी, उसके फ्लक्स की नाप करेंगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि जो हमारी ये क्षेत्र रेखाएं हैं किसी भी पृष्ठ के लंबवत जाने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या उससे संबंधित फ्लक्स को प्रदर्शित करती है, उसके संबंधित फ्लक्स को की नाप करती है। तो यहाँ पर हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब कि टोटल किसी भी पृष्ठ से संबंध टोटल संपूर्ण क्षेत्र रेखाएं। अब आइए हम देखते हैं इस फ्लक्स का क्या होगा मात्रक। फ्लक्स फ्लक्स बराबर होता है बी इंटू ए या बी इंटू एस या बी इंटू डी एस। बी इंटू डी एस, बी का हम लोगों ने पहले निकाला है कि किसी भी तार में अगर धारा बहती है तो उसके कारण जो बल कार्य करता है वो बराबर होता है आई एल बी, और इसलिए बी इज इक्वल टू एफ अपान आई इंटू एल। हम कह सकते हैं न्यूटन अम्पियर मीटर, तो बी का हुआ न्यूटन प्रति अम्पियर मीटर, और इसलिए इसका अगर हम मात्रक निकालें यूनिट या मात्रक तो यह आ जाएगा फाई का मात्रक, बी का हुआ न्यूटन अम्पियर मीटर, और यस का हो गया मीटर स्क्वायर, इस मीटर से मीटर कट गया। तो फाई बी यानी चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हुआ न्यूटन मीटर प्रति अम्पियर, और इसी से इसके हम बीमा भी निकाल सकते हैं। न्यूटन की बीमा है यम यल टी माइनस टू, इसकी बीमा है यल, और अम्पियर की बीमा है अम्पियर, इसलिए इसकी बीमा हो जाएगी यम यल दो टी माइनस दो ए माइनस ओ, ये इसकी बीमा होगी। ये तो हो गया फ्लक्स से संबंधित, ये चुंबकीय फ्लक्स। ध्यान रखें चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय फ्लक्स एक जैसी राशियां हैं, एक दूसरे को प्रदर्शित करती हैं। जब हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की इसका मतलब चुंबकीय बल, और चुंबकीय फ्लक्स का मतलब भी है चुंबकीय बल, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो चुंबकीय क्षेत्र को भी प्रदर्शित करती हैं, तो ये चुंबकीय बल से ही संबंधित है। अब यह है कि जो फ्लक्स है वो किसी भी पृष्ठ से संबद्ध, किसी भी पृष्ठ से जाने वाली संपूर्ण क्षेत्र रेखाओं से मतलब है, संपूर्ण क्षेत्र रेखा, और इसके एकांक क्षेत्रफल से जो जाने वाली रेखाएं हैं वो बी को प्रदर्शित करती हैं यानी चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। तो एकांक क्षेत्रफल से जो जाने वाली क्षेत्र रेखाएं हैं वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, और संपूर्ण क्षेत्र से जाने वाली जो बल रेखाएं उसके लंबवत बल रेखाएं हैं वो फ्लक्स को प्रदर्शित करती हैं। यहाँ पर हम लोगों ने देखा है, इसके पहले यहाँ तो हम लोगों ने निकाला इसका मात्रक,
न्यूटन मीटर और एम्पियर, और इसके मात्रक को कहते हैं वेबर। वेबर, इसे हम वेबर कहते हैं। क्योंकि ये बी एकांक क्षेत्रफल से जाने वाला फ्लक्स है, यानी एकांक क्षेत्रफल से संबंधित फ्लक्स है, इसलिए बी बराबर हुआ फाई बी अपान ए। तो ये आपका हो गया वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर को ही हम टेस्ला कहते हैं, जिसको हम टी से प्रदर्शित करते हैं। तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बराबर टेस्ला। यहाँ पर ये जो वेबर है, इस एक जो सीजियस सिस्टम का एक है मात्रक, उसे हम कहते हैं मैक्सवेल। और ये 10^8 मैक्सवेल बराबर होता है एक वेबर। तो इस तरह से ये इसके यूनिट्स हैं, इसके ये डायमेंशन हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है क्या। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में हमने आपको बताया कि एक तो चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हम फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। फ्लक्स माने, सूत्र में अगर कहें तो फ्लक्स का मतलब होता है कुल फ्लक्स बराबर बी डी एस। हम इसको ऐसा कह सकते हैं सूत्र में। और अगर सामान्य भाषा में कहें तो हमें कह सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र के लंबवत संपूर्ण बल रेखाओं की संख्या, ऐसा समझ सकते हैं। किसी भी पृष्ठ के लंबवत संपूर्ण बल रेखाओं की संख्या, हम उसे फ्लक्स कहते हैं। अब यहां पर ये जो हम लोगों ने इसी तरह का एक फ्लक्स पढ़ा था फाई ई, ये तो फाई बी है। वहां हम लोगों ने पढ़ा था कि ये बराबर होता है ई डी एस। ये भी है, ये विद्युतीय बल रेखाएं हैं, संपूर्ण बल रेखाएं। हमने गास के प्रमेय पढ़ा था, गास का प्रमेय, विद्युतीय गास का जो प्रमेय है, यानी विद्युत का गास का प्रमेय, कि किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर जितना भी आवेश होता है उससे निकलने वाली संपूर्ण बल रेखाएं, यानी संपूर्ण फ्लक्स, इस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये हम लोगों ने किया था, लेकिन इसके लिए लागू नहीं होता। अगर इसी बंद पृष्ठ के अंदर हम चुंबकीय चुंबक रख दें तो इससे निकलने वाली संपूर्ण बल रेखाओं की संख्या इसके अंदर रखे गए चुंबकीय ध्रुव के से संबंधित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ और साउथ है, अकेला यहाँ ध्रुव नहीं है, यहाँ अकेला आवेश है और यहाँ पर दो दो ध्रुव हैं, और इसलिए इन दोनों का प्रभाव, नेट प्रभाव 0 रहता है। इसलिए इससे बाहर बल रेखाएं नहीं निकलेंगी, इसलिए इसके लिए इसका मान तो 0 रहेगा। किसी बंद पृष्ठ के लिए हम गास का प्रमेय लगाएं, चुंबकीय गास का प्रमेय, तो बी डी एस बराबर 0, इसको अगर ऐसे लिखें तो। और विद्युतीय क्षेत्र के लिए EQ/ε0 ध्यान रखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र के लिए गास का प्रमेय में का मान यानी चुंबकीय क्षेत्र का क्षेत्रीय समाकलन का मान 0 रहता है, जबकि विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय क्षेत्र का क्षेत्रीय समाकलन का मान EQ/ε0 के बराबर होता है गास के प्रमेय में। अब आइए हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण को फिर एक बार उसको पढ़ते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का यहाँ तात्पर्य क्या है। किसी भी परिपथ, ये कोई परिपथ है, किसी भी परिपथ से संबद्ध, संबद्ध माने उससे होकर जाने वाली ये बल रेखाएं फ्लक्स है। किसी भी परिपथ से संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ध्यान रखें, परिवर्तन होता का मतलब या तो इनकी संख्या बढ़ती है या इसकी संख्या घटती। यदि किसी भी परिपथ से संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक
बल पैदा हो जाता है, यानी विभवांतर पैदा हो जाता है। इसी का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसी घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? किसी परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। यदि इसमें बिजली पैदा हो जाती है, कब पैदा होती है? जब इस फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो बिजली नहीं पैदा होगी। इसकी संख्या में परिवर्तन होगा तो बिजली पैदा होगी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है कि किसी भी परिपथ में या किसी भी परिपथ से संबद्ध माने उससे जाने वाला, संबद्ध संबंध नहीं, संबद्ध लिंक्ड संबद्ध। तो किसी भी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, जो आवश्यक ध्यान रखें, परिवर्तन में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में प्रेरित यानी इंड्यूस हो जाता है प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। जैसे सेल के दोनों सिरों के बीच विद्युत वाहक बल रहता है, वैसे इसके दोनों सिरों के बीच भी प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। जो विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण पैदा होता है, इसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है, इसे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, राइट? अब आइए, इसका अध्ययन कई लोगों ने काफ़ी दिनों तक किया, लेकिन इसमें जो नाम आया, सफलता मिली, या जो जिसके नाम से प्रसिद्ध है, वो है फैराडे। फैराडे ने इसका अध्ययन करने के बाद ये देखा कि केवल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन से ही विद्युत नहीं पैदा होता। जो हमारे फैराडे थे, उन्होंने बहुत दिनों तक एक्सपेरिमेंट किया। ये कुंडली है, यहाँ पर अगर कोई धारा मापी लगा दें और यहाँ पर आप चुंबक इसके नज़दीक ले आएँ और ले जाएँ, चुंबक अगर नज़दीक ले आएंगे तो इसमें से निकलने वाली जो क्षेत्र रेखाएँ हैं उनकी संख्या जो इसके अंदर जा रही बढ़ेगी, इसको दूर ले जाएंगे तो संख्या घटेगी, तो इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। लेकिन कभी भी इसके अंदर सुई में विक्षेप नहीं आया। ये बात कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन तो हो रहा है, अगर इसको इधर ले आ रहे हैं तो ज़्यादा हो रही, दूर ले जा रहे हैं तो घट रही, लेकिन फिर भी बिजली पैदा नहीं हुई। एक बार कहते हैं कि काफ़ी दिनों बाद उन्होंने कुछ निराश होकर के इस चुंबक को फेंका, और जो चुंबक यहाँ पर गिरा कुंडली के पास तेजी से, तो इसकी सुई घूम गई। तो उनको उनके दिमाग बात आ गई कि अभी तक क्यों इसमें परिवर्तन नहीं आ रहा था। तो इसमें फ्लक्स का परिवर्तन तो उतना ही हो रहा था, लेकिन टाइम ज़्यादा लग रहा था। अगर हमने फेंक दिया तो उतना ही परिवर्तन बहुत जल्दी में हो गया। तो ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ये चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन पर नहीं, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है कि कितनी जल्दी परिवर्तित हो रहा है, कितनी देर में परिवर्तित हो रहा है। इसलिए इन्होंने अपने फैराडे ने अपने दो नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दो नियम दिए। हम लोग वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दो नियम पढ़ते हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो पहला नियम तो यही है
पहला नियम है कि जब किसी परिपथ से या कुंडली से या परिपथ से संबद्ध फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF पैदा हो जाता है। तो विद्युत वाहक बल तो पैदा हो जाता है, लेकिन एक शर्त और भी इसके साथ है कि वो विद्युत वाहक बल तभी तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स बदल रहा होता है। अगर चुंबकीय फ्लक्स बदल रहा है, बदलते बदलते रुक गया, तब जो विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। विद्युत वाहक बल तभी तक रहता है जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। तो विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है, यह विद्युत वाहक बल तभी तक पैदा होता है जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। तो पहली शर्त तो ये है कि फ्लक्स में परिवर्तन भी हो और लगातार परिवर्तन हो। और दूसरी जो इसकी है, जो प्रैक्टिकल करके उन्होंने पाया, वो है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल ई अनुक्रमानुपाती डी फाई अपान डी टी, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर। लेकिन ये उसके ऋणात्मक मान के अनुक्रमानुपाती होता है। ऋणात्मक इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो विद्युत वाहक बल होता है वो हमेशा उस कारण का विरोध करता रहता है जिसके कारण से वो पैदा होता रहता है। अगर फ्लक्स घट रहा है उससे पैदा होगा तो फ्लक्स को घटने का विरोध करेगा, अगर फ्लक्स बढ़ रहा है और पैदा होगा तो फ्लक्स के बढ़ने का विरोध करेगा। इसलिए यहाँ पर ये मानस लगाते हैं। इससे हमें ये प्राप्त हुआ ई इक्वल टू माइनस के डी फाई अपान डी टी, अथवा किसी भी जो प्रणाली है नापने की, CGSM, KSSI, सबके लिए K का मान एक होता है। सभी प्रणालियों के लिए K = 1, और इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर डी फाई अपान डी टी। यह है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। अब मान लीजिए हमारे पास ये एक कुंडली है, इसमें
इसके एक कुंडली के फेरे से जो संबद्ध फ्लक्स है वो अगर फाई हो, तो इसके जितने फेरे होंगे, अगर मान लिया यन फेरे हों, तो इनसे संबंधित फ्लक्स हो जाएगा यन फाई, और इसलिए उस समय इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ई बराबर हो जाएगा माइनस यन डी फाई अपान डी टी। यानी यदि फाई एक फेरे से संबद्ध फ्लक्स हो, किसी भी कुंडली के एक फेरे से संबद्ध फ्लक्स हो और कुंडली में फेरों की संख्या यन हो, तो यदि कुंडली में फेरों की संख्या यन तथा एक फेरे से संबद्ध फ्लक्स फाई तो इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। अब मान लिया हमारे पास कोई एक कुंडली है जिसके अंदर किसी कुंडली में 0.01 सेकंड में चुंबकीय फ्लक्स अठारह इंटू 10^-3 वेबर से घटकर 2×10^-3 वेबर हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निकालो। यहां पर φ1 18×10^-3 वेबर है और φ2 2×10^-3 वेबर है, और डेल्टा टी या डी टी या टी जो भी लिख लें, टी इज इक्वल टू 0.01 सेकंड। और इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित विद्युत वाहक बल ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई यानी फ्लक्स परिवर्तन φ2 − φ1 अपान टी। बाद वाले में से पहले को घटाते हैं अंतर निकालने के लिए, माइनस φ2 2×10^-3 φ1 18×10^-3 अपान 0.1। इसको हम लिख सकते हैं 10^-2। सोलह इंटू 10^-3 अपान 10^-2 एंड दिस इज इक्वल टू 1.6 वोल्ट, 1.6 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उस कुंडली में पैदा होगा जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार से रखी हुई है और उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। एक बात का ध्यान रखें, अब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन
तो कई प्रकार से हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये चुंबकीय फ्लक्स है, अब इस किसी भी कुंडली या किसी भी वस्तु के अंदर से फ्लक्स कितना जा रहा है हम परिवर्तन कर सकते हैं। अगर उस वस्तु को हमने यहाँ तक रखा और इतना बाहर है तो कम फ्लक्स है, इसको और अंदर ले जाएं तो फ्लक्स और ज़्यादा हो जाएगा, और अंदर ले जाएं तो और फ्लक्स हो जाएगा, और अगर पीछे खींचते जाएं तो इसके अंदर से जाने वाले क्षेत्र का मान और घटता जाएगा। तो एक तो क्षेत्र में परिवर्तन करके हम फ्लक्स में परिवर्तन कर सकते हैं, किसी वस्तु के अंदर से जाने वाली बल रेखाओं की संख्या को उसके क्षेत्रफल को घटा के हम घटा सकते हैं। तो पहला जो फ्लक्स का परिवर्तन यह है कि हम उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन करते हैं, क्षेत्रफल में परिवर्तन। और दूसरा हम जानते हैं, वो तो फार्मूले से ही पता है कि जो फाई बी बराबर होता है, ये बराबर होता है बी डी एस या यस कास थीटा। तो एक तो क्षेत्रफल में परिवर्तन करके, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करके। अगर इस चुंबकीय क्षेत्र का मान हम घटा दें, इस चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे घटाएंगे, मान लिया इसको हमने किसी विद्युत धारा से पैदा किया तो धारा का मान घटा देंगे तो क्षेत्र घटता जाएगा, ये तो अपनी जगह रहेगा, क्षेत्रफल भी उतना ही रहेगा। लेकिन अगर विद्युत धारा जो इसको चुंबक की क्षेत्र को पैदा कर रही है अगर वो घटती जाए तो विद्युतीय क्षेत्र का मान घटता जाएगा, उसकी ताकत कम होती जाएगी। तो हम इसका मान घटा सकते हैं, विद्युतीय क्षेत्र का मान घटा सकते हैं। और तीसरी चीज है हम थीटा का मान बदल सकते हैं। थीटा का मान ये कि अगर हमने ऐसे किया तो सारी बल रेखा इसके अंदर से जा रही है, अगर हमने ऐसे कर दिया तो बल रेखाओं का जो प्रभाव है कट गया, क्योंकि बराबर होता है कास थीटा, और अगर ऐसे कर दिया तो अब जीरो हो जाएगा, इसके अंदर से इसके क्षेत्रफल के लंबवत कोई बल रेखा नहीं रहेगी। जो थीटा का मान अगर हम बदलते जाएं, थीटा का मान जीरो होगा तो सबसे ज़्यादा बल रेखाएँ जाएंगी, और थीटा का मान अगर हम 90 कर दें तो बल रेखा कुछ भी नहीं जाएगी। तो किसी भी चालक के अंदर, किसी भी कुंडली के अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन है वो हम इन तीन तरह से कर सकते हैं, या तो हम क्षेत्र का परिवर्तन कर दें, या हम चुंबकीय क्षेत्र में की शक्ति घटा दें, या हम क्षेत्रफल कम कर दें या क्षेत्र की शक्ति घटाएं, और या इसका हम इसके साथ जो झुकाव है, ओरिएंटेशन है, उसको हम कम बदल दें तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा। और इसी तरह से हम परिवर्तन करके और विद्युतीय वाहक बल हम पैदा करते रहते हैं। एक बात का और ध्यान रखें, अगर ये यहाँ है इस तरह से, इसके अंदर से बल रेखाएं जा रही हैं, ये घूमेगा तो बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हुआ, देखिए जीरो हो गई, फिर लंबवत हो गई। तो इस तरह से इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। बस आज तो इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन अथवा हमारे सोशल साइट पर जाकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है।